हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग बेटा। यस, हाउ आर यू ऑल? फाइन ऑल ऑफ यू? यस। नाउ अगेन वेलकम टू विजेसस मैथ्स मैजिक क्लास, एंड टुडे अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर चैप्टर थ्री, अ ट्रिप टू भोपाल। यस, तो आज हम लोग फिर से हमारा जो भोपाल ट्रिप है ना, उसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करेंगे ना। ओके, चलो तो हम लोग कंटिन्यू करते बेटा। ओके, सी देखो, हमारी बस जो है ना, यस, ये बस के अंदर पेट्रोल आई थिंक ख़त्म हो गया होगा। हाँ, अच्छा बेटा बताओ मुझे, बस के अंदर पेट्रोल आता है कि डीजल? पेट्रोल से चलती है बस के, डीजल से चलती है? आप लोग के घर पे गाड़ी होगी ना पापा की, तो आपको पता होगा ना, पापा की जो कार है वो मतलब डीजल से चलती है कि फिर पेट्रोल से? सर दोनों से चलती है, पेट्रोल डीजल बोथ। यस, लेकिन बस जो होती है बेटा वो डीजल से चलती है। किससे चलती है? डीजल से। देखो ये अंकल अभी है ना डीजल को रिफिल करने वाले है, यस, बस के अंदर। और ये देखो एक अंकल स्कूटर लेके आए, हेलमेट पहना है। देखो इनका हेलमेट कितना बड़ा है, देखो देखो देखो। यस, लुकिंग लाइक बोलो जल्दी सोचो। एलियन, लुकिंग लाइक एलियन, एलियन जैसा लग रहा है ना। देखो हेलमेट पहना है, देखो अंकल कैसे खड़े वो। हाँ ये, अच्छा ये स्कूटर के अंदर क्या आता है, डीजल की पेट्रोल? अच्छा केरोसिन आता है? नहीं नहीं बेटा, इसके अंदर पेट्रोल आता है। चलो तो हम लोग है ना चैप्टर कंटिन्यू करें, उसके पहले फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं ना, व्हाट हैव वी सीन इन प्रीवियस लेक्चर। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा ना, वो फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान देना सब लोग। देखो ये सर एंड मैम डिस्कस कर रहे थे ना कुछ बस के बारे में, फिर बताया ना राकेश सर ने मतलब कि चलो हम लोग पहले बच्चों को काउंट कर लेते हैं, तो इतने स्टूडेंट्स हुए, टोटल 210 स्टूडेंट्स हुए, और बस इतनी बस, फोर बसेस की बात हो रही थी ना मीनाक्षी मैम ने बोला था, बोले राकेश सर बोले नहीं एटलीस्ट 5 चाहिए, फिर टोटल स्टूडेंट्स हमने काउंट किया था तो 210 स्टूडेंट्स हुए। ओके, और कुछ बच्चे मतलब उसके रिगार्डिंग जो कुछ क्वेश्चन था वो क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था, राइट। उसके बाद है ना सारे बच्चे जो मतलब क्यू में खड़े थे ना, तो इसमें से ये जो है ना कौन, साहिबा बाहर निकल गई और एकदम जोर से चिल्लाई थी ना कि देखो जल्दी लाउडली कि जल्दी जल्दी दौड़ो दौड़ो, हमको ग्रैब करना है विंडो सीट्स फटाफट। और तभी ये मैम है ना थोड़ा गुस्सा हो गई थी ना ये ड्राइवर्स के ऊपर, बस जो लेके आए थे ना, बोले हमने ये बोला था कि छोटा बस लेके आना इतनी और आप लोग छोटी बस लेके आए। ये सबसे पहले किसे बताया था, साहिबा ने बताया था ना आई थिंक, यस, सारे स्टूडेंट्स को छोटी बस आ गई। फाइनली सारी बसें आ गई है, सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर बैठ गए, राइट। और बैठने के बाद देखो मैंने आपको कल इसके बारे में भी बताया था ना, कल मीन्स के लास्ट लेक्चर में, क्या कि देखो कोई कोई बच्चा कैसे जंप कर रहा है, कैसे चढ़ रहा है मतलब। ओके, अलग अलग डिफरेंट कलर की बसेस है, टोटल कितनी बसेस आई थी बेटा, 6 बसेस, और ईच बस हैज़ अ 35 सीट्स, राइट, ये भी हमने देखा था। उसके बाद जर्नी बिगिंस हो गई थी ना, यानी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। राकेश सर जोर से चिल्ला रहे थे ना, बोल रहे थे ना चलो फटाफट चलो जल्दी बैठ जाओ, कमान नाउ गेट इन फास्ट। ओके, और ये जो भाई साहब है ना, ये वो अपनी वाटर बैग भूल गए थे, ठीक है, वाटर बॉटल जो है ना वो भूल गए थे ना। ओके, तो फिर स्टार्ट हो गई ना, और 2 आवर्स में पहुंचना था कहां पर, मतलब भीमबेटका 2 आवर्स में पहुंच जाने वाले थे कि भोपाल पहुंचने वाले थे? यस, भीमबेटका बेटा ना, नहीं भोपाल 70 किलोमीटर फार है ना, क्या फार है 70 किलोमीटर भीमबेटका की भोपाल, बोलो जल्दी से। ओके, तो भीमबेटका वो लोग पहुंचे थे कितने बजे, बिटवीन 10:30 to 11 o'clock, राइट। और हाँ बेटा भीमबेटका पहुँचे 70 किलोमीटर्स है ना, अबाउट 70 किलोमीटर्स। ओके, भोपाल तो बहुत दूर है ना। ओके, तो फिर उसके बाद क्या देखा था हमने, हाँ देखो आई थिंक थोड़ा बहुत इसके अंदर आगे पीछे हो गया होगा, आप लोग देखना इसको फिर से रीडिंग करना, मैंने बोला था ना रीडिंग करना है, रीडिंग स्किल हमारी डेवलप करनी, इम्प्रूव करना है हम लोगों को, राइट। ओके, फिर हमने देखा था ना कि ये नर्मदा रिवर जो आई थी, ब्रिज दिख रहा था, राइट। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया था ना क्या, तो उसमें से गोपी बोल रही थी कि 100 मीटर्स इट इज़ मोर मच, मतलब वो ब्रिज है ना, वो ब्रिज कि वो 100 मीटर्स होगा, 100 मीटर्स लॉन्ग होगा ब्रिज, ठीक है, या फिर यस। उसके बाद क्या देखा था, विक्टोरिया बोल रही थी इट मस्ट बी मोर देन हाफ ऑफ किलोमीटर, यानी जो ब्रिज है ना। एंड देन आशा मैम टोल्ड, क्या बोला था कि वो है ना वो ब्रिज के मतलब जो बोर्ड था ना, यस बैनर, यस देखो वहाँ पे मतलब लिखा हुआ था ना कि इतने हाइट है, मैंने आपको बताया था कि ब्रिज ऑलवेज लंबा होता है ना, लेकिन रिवर उसके बीच में से निकलती है, तो ये पूरे ब्रिज की जो लॉन्ग लेंथ है ना वो इतनी थी, तो ये ब्रिज कितना होगा, अराउंड 500 मीटर्स वॉज विक्टोरिया, राइट। विक्टोरिया ने क्या बोला था कि हाफ किलोमीटर, तो बेटा हमको पता है ना 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने सीखा है ना, यस याद करो, पता है सबको,
ऑलरेडी येस वी हैव सीन ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर, मैंने सेकेंड चैप्टर में सिखाया आप लोगों को, याद करो 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ पे तो विक्टोरिया का बोलते कि हाफ ऑफ किलोमीटर, राइट? तो विक्टोरिया कैसी, वॉज विक्टोरिया राइट? देन इट्स आंसर इज यस, विक्टोरिया इज राइट, विक्टोरिया सही है, राइट? यहाँ पे लिख देंगे विक्टोरिया इज राइट। नाउ सदाफ, देखो यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, सदाफ ने बोला आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर्स। सदाफ क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि एक्चुअली है ना हमारी जो रीडिंग स्किल है ना वो भी यहाँ पे इंप्रूव हो रही है। देखो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान भी देना है। ओके, नाउ सदाफ सेज आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर्स, मतलब वो इमेजिन नहीं कर सकता, सोच रहे कि 500 मीटर्स कितना होता होगा, मतलब कितना लंबा होगा, कैसे मुझे, आप लोग को भी इसमें कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा ना कि 500 मीटर्स कितना होता है। तो यहाँ पे मिस आशा है ना, आशा मैम ने क्या बोला, सी आवर बस इज अबाउट 5 मीटर्स लॉन्ग, हमारी जो बस है ना वो 5 मीटर्स लॉन्ग है। ओके, इमेजिन हाउ मैनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज, ब्रिज जो है वो इतना है, और विक्टोरिया ने क्या बोला कि हाफ ऑफ किलोमीटर होगा जो रिवर है वो, अब वो सदा बोल रहा है कि 500 मीटर कितना मुझे नहीं पता चल रहा है। तो मैम ने क्या बोला कि 5 मीटर्स लॉन्ग, अब सोचो 5 मीटर्स की ये एक बस हो गई, ठीक है, ये एक बस 5 मीटर्स की, दूसरी 5 मीटर्स की, तो ऐसे 500 मीटर्स कर तक करना है, तो बोलो ऐसे कितनी बसेस की ज़रूरत पड़ेगी, यस कौन बताएगा आप लोगों में से? हाँ बेटा वेरी गुड, 5 मीटर्स की बसें कितनी चाहिए 500 मीटर के लिए? हाँ वेरी गुड, तो हम लोग डिवाइड करेंगे, 500 है उसको 5 से डिवाइड कर दो, वेरी गुड। तो कितना पता, देखो हैव यू, सॉरी ये क्वेश्चन का आंसर देना है पहले, तो टोटल बेटा है ना 500 डिवाइडेड बाय 5, देखो ये 0 0 नहीं कोटर है, तो 500 को 5 से डिवाइड करेंगे ना, देन आंसर क्या मिलेगा 100। ओके देखो आपको 100 का टेबल आता है बेटा, नहीं आता ना, देखो 100 बन जा 100, 100 टू जा 200, बहुत सिंपल है ना, ये टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मगअप की नहीं करना है, 100 फाइव जा 500, तो कितनी बसेस होगी बेटा 100 बसेस। तो अब जब आशा मैम ने बताया तो सदाब को पता चल गया, ओ हो 100 बसेस, ओ गॉड। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हैव यू एवर क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज, क्या आपने ऐसा कोई लंबा ब्रिज कोई क्रॉस किया है, एंड अबाउट हाउ मैनी मीटर्स लॉन्ग वॉज इट, आपको पता है वो कितना लंबा होगा? नो तो आप लोग को पता है ना, आप लोग भी कई बार ये ब्रिज के ऊपर से निकले होंगे ना, यस कौन से ब्रिज के ऊपर से, ये गोल्डन ब्रिज जो मैं बोला नर्मदा नदी वाला ये, या तो फिर हम लोग यहाँ से साबरमती नदी जो है ना वहाँ से जाते ना, वो भी बेटा ना अराउंड 100 to 200 के आसपास है वो ब्रिज, हाँ 200 के आसपास ही है, 200 नहीं 150 के आसपास है। तो वो कितना लॉन्ग है वो अपने मम्मी पापा से पूछना, जैसे कि पूछना कि मम्मी हम लोग जब वो गए थे नर्मदा रिवर तो वो ब्रिज याद है वो कितना होगा, मम्मी या पापा से पूछ के इसका आंसर आप लोग को खुद फील करना है। ओके नाउ एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर, सब लोग नदी के अंदर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, मतलब वो बस है ना बस के अंदर से देख रहे हैं। नाउ राकेश सर ने बोला, मिस्टर राकेश सेज द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो, बोला क्या बोला बच्चों को कि अभी इसका जो वाटर लेवल है ना, ये पानी जो है ना, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, देखो ये रहा दिख रहा है सबको, यस ये रिवर है ना, ये ब्रिज है, ये ब्रिज के अंदर जो रिवर है ना वाटर लेवल, ये वाटर लेवल अभी कैसा है, मतलब अभी लो है, इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज, ये जो ब्रिज है ना ये ब्रिज से नीचे कितना है 40 मीटर्स, कितना नीचे बेटा 40 मीटर्स। मिस आशा ने बोला बट इन द रेनी सीजन, जब बारिश की सीजन होती है ना, जब बारिश गिरती है, द वाटर हैड रीजन, रीजन मतलब वाटर जो होता है ना वो ऊपर आ जाता है, राइज होना यानी ऊपर आना, बराबर पानी का जो लेवल है ना वो अप हो जाता है, ऐसे अप जब रेनी सीजन, अभी पता है ना अभी रेनी सीजन ही है ना, देन इट वॉज जस्ट अबाउट 15 मीटर्स बिलो द ब्रिज, अभी ब्रिज से कितना नीचे दिख रहा है पानी, बारिश का सॉरी नदी का पानी कितना नीचे दिख रहा है 40 मीटर्स नीचे दिख रहा है, लेकिन जब रेनी सीजन जब बारिश गिरती है ना तो ये पानी का लेवल अप हो जाता है, तब ब्रिज के कितने नीचे होता है बेटा ओनली 15 मीटर्स। तो मुझे बताओ मतलब हाँ देखो यहाँ पे मैं जो पूछ रहा हूँ वही क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ द नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ, तो अभी हाल में 40 मीटर्स था, अभी हाल में सर ने बोला ना 40 मीटर्स नीचे,
तो रेनी सीजन में कितना होता है बेटा 15 मीटर्स। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? देखो मानो ये ब्रिज है, देखो ये है ना, ये जस्ट ये ब्रिज है, ओके, जस्ट ये ब्रिज है, यहाँ पे ध्यान देना, ओके। अब ये पानी आ रहा है इसके अंदर से, ये जो अभी ये पानी का लेवल है ना बेटा, यस दिख रहा है आपको, ये पानी का लेवल अभी हाल में कितना है बेटा 40 मीटर्स, यानी ये पानी है, ओके, ये यानी कि ये भी दिख रहा है पानी के, ये देखो सब पानी है, यस ये पानी आ रहा है, ओके। और यहाँ से ये बस है, बस निकल रही है, ये बस निकल रही है, ओके ओके, देख रहे तो सर ने बोला बोले अभी 40 मीटर्स है, लेकिन जब रेनी से बारिश आती है तो ये पानी का लेवल यहाँ तक आ जाता है, ऊपर आ जाता है, देखो इतना सारा, यानी ब्रिज आधा मतलब डूब जाता होगा, ऐसे हुआ ना। तो ये 15 मीटर्स अभी ये बस से नीचे, ये बस से नीचे ना 40 मीटर्स था, लेकिन जब रेनी सीजन होती है तो बस से एकदम ऊपर दिखता है पानी, एकदम यहाँ पे ऊपर दिखता है। तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो सिंपल है, 40 मीटर्स में से 15 मीटर्स माइनस कर दो तो हमको पता चल जाएगा, 40 माइनस 15, बोलो कौन बताएगा कितना आएगा, 25 मीटर्स, कितना आएगा बेटा आंसर, 25 मीटर्स, ओके। द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम, और अब बच्चे जो है ना वो कुछ डिस्कस करने लगे, किसके बारे में, नाउ सी बेटा, द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम, ओके, यानी कि अब बच्चे जो है ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब सर ने कुछ बातें बताई ना कितना है ये, तो बच्चे देखो रिवर के अंदर देख रहे हैं, बस में से बाहर निकाल के मुँह, अब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। सडनली उसी टाइम, दैट टाइम सडनली एकदम अचानक से द बस स्टॉप्स विथ अ जर्क, बस एकदम से झटके के साथ स्टॉप हो गई। सडनली जब कुछ बच्चे बातें कर रहे थे ना, डिस्कस कर रहे थे ना, सडनली अचानक से द बस स्टॉप्स विथ अ जर्क, जर्क मीन्स एकदम अचानक, अचानक से बस क्या हो गई, स्टॉप हो गई। ओह द पेट्रोल पंप, कुछ बोले बच्चे, अरे पेट्रोल पंप, टू बसेस नीड टू बी रिफिल्ड, टोटल कितनी बसेस थी कौन बताएगा, यस सिक्स बसेस थी ना, सिक्स बसेस में टू बसेस को नीड हो गई ना रिफिल्ड, रिफिल्ड करना है, यानी कि पेट्रोल सॉरी पेट्रोल डीजल जो भी बोलते हैं ना, हाँ बस के अंदर तो डीजल ही आता है राइट, तो उसकी अभी नीडेड थी, यानी बस के अंदर डीजल खत्म हो गया था। द बसेस स्टैंड इन अ लाइन, सारी बसें एक स्टैंड में यानी एक लाइन में खड़ी हो गई राइट। चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक्स आउट टू सी हाउ डीजल इज फिल्ड इन द बस, अब बच्चे क्या कर रहे थे, उनका जो नेक्स यानी गला, यानी पूरा मुंह बाहर निकाल रहे थे, ठीक है, विंडो के बाहर ऐसे मुंह निकाल रहे थे और देख रहे थे, देखो ये रहे ये बच्चे दिख रहे, हाँ क्या बोले उसको, स्टिकिंग देयर नेक्स, यानी उनका जो नेक्स था ना गला बाहर ऐसे निकाला और देख रहे थे, क्या देख रहे थे, हाउ डीजल इज फिल्ड इन द बस। बेटा आप लोग जैसे मम्मी पापा के साथ कभी पिकनिक गए हो तो ऐसा हुआ है कि अचानक पेट्रोल ख़त्म हो गया हो गाड़ी के अंदर, या फिर बाइक पे कभी गए हो कहीं अंकल के घर पे आंटी के घर पे, होता है ना। तो आप लोग भी जब ये नोटिस करते हो ना कि फिर पापा बोलते अरे यार पेट्रोल ख़त्म हो गया, शिट अब तो जाना पड़ेगा वापस, अब नहीं जाना है, कहाँ अंकल के घर नहीं जाना है, वापस जाना है, नहीं बेटा वापस जाने के लिए तो पेट्रोल तो चाहिए ना बाइक के अंदर कार के अंदर, ऐसा बोलते ना कभी पापा गुस्सा हो जाते हैं ना, नहीं मम्मी गुस्सा होती होगी, बोलती आपको पहले से पता नहीं चलता है, पहले से पेट्रोल भरवा के रखे होते, अभी स्टॉप हो गई बाइक, ये है वो है फलाना टिकना, बहुत टाइम हो जाएगा, लेट पहुंचेंगे ये है ना। तो बेटा ऐसा होता है ना, मम्मी ज़्यादा ऐसा बोलती होगी ना पापा को, और फिर आप भी मम्मी की हेल्प मम्मी का सपोर्ट करते हो ना, यस मम्मी यू आर एब्सोल्युटली राइट, पापा ऑलवेज ऐसे करते हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है, पापा को थोड़ी ना पता होता है अब अंदर पेट्रोल अचानक चला गया, मे बी पापा को पता भी हो लेकिन भूल गए होंगे रात को पेट्रोल डलवाने का और सुबह आप लोग को निकलना था। तो सेम थिंग यहाँ पे हुआ बेटा, तो अब क्या हुआ, बच्चे बेचारे बाहर निकल के देख रहे थे, देखो सम चिल्ड्रन हैव गॉट डाउन टू लुक मोर क्लोजली, कुछ बच्चे नीचे उतर गए एकदम क्लोजली देखने के लिए, क्लोजली मीन्स एकदम नज़दीक से देखने के लिए, देखो कि पेट्रोल कैसे या डीजल कैसे भरा जाता है, कैसे मतलब रिफिल किया जाता है, ओके। नाउ अगेन वी हैव अ क्वेश्चन, ईच बस टेक्स अबाउट 15 मिनट्स टू रिफिल, जितने दो बस है ना बेटा, टू बसेस थी ना जिसके अंदर डीजल ख़त्म हो गया था, एक बस कितना लेता है 15 मिनट्स टाइम लेती है डीजल रिफिल करने में, एंड देयर आर टू बसेस थी टू बी रिफिल्ड, टू बसेस में रिफिल करना है ना डीजल, सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट डैश मिनट्स, बोलो एक बस का 15 मिनट लगा रिफिल करने में तो दूसरी बस को कितना लगेगा, उसके लिए भी 15 मिनट्स लगेगा ना,
ऐसा तो नहीं कि दोनों बस में एक साथ भर देंगे डीजल, हाँ पॉसिबल है दोनों बस के एक साथ भर सकते, लेकिन वहाँ पे जो दिख रहा है आपको जिसके अंदर पेट्रोल जिसके अंदर से डीजल भरा जाता है ऐसा होना भी चाहिए ना, जिसके अंदर मतलब ऐसा टैंक जैसा लाइक ओके, यहाँ पे तो एक ही पेट्रोल पम्प है ना, यस एक ही मतलब इसमें से भरा जा रहा है, तो दोनों बस वन बाई वन आ रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सो दे स्टॉप देयर अबाउट 30 मिनट्स राइट, 15 एंड 15 30 मिनट्स हो गया, विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट 30 मिनट्स। हाँ तो अब 30 मिनट्स यहाँ पे चलेगी, तो सब लोग कितना मिनट लेट पहुँचने वाले हैं, 30 मिनट्स, कितने बजे पहुँचने वाले थे, अराउंड 10:30, देखो ये रहा बिटवीन 10 o'clock और 11 o'clock दोनों के बीच में पहुँचने वाले थे ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस yes. लेकिन अब तो 30 मिनट चलेगी, दोनों के बीच में क्या हुआ, बिटवीन 10:30 हुआ ना, 10 और 0 o'clock के बिटवीन दोनों के बीच में क्या हुआ 10:30, अब 30 मिनट्स तो यहाँ पे चली गई, तो मुझे बताओ अब कितने बजे पहुँचेंगे वो लोग, यस 10:30 तो यहीं पे बच गए ना, आधा घंटा यहाँ पे चला गया, नाउ हाफ आवर बोलते हैं ना हाफ आवर, अब बेटा वो लोग लेट पहुँचेंगे, आई मीन टू से 11 o'clock राइट। चलो देखिए अभी आगे देखो ये सारे बच्चे, देखो ये अंकल भी है ना डीजल भर रहे हैं ना, देखो लिखा है डीजल, यहाँ पे देखो बेटा रुपीज़ बता रहे हैं, दिख रहा है सबको, ये थोड़ा जूम करूं, देखो अब देखो तो कितना लीटर्स आया डीजल, यस ये रहा है, हाँ ये इसके अंदर से बस यहाँ पे खड़ी होगी ना, यहाँ पे एक बस खड़ी है, एक बस यहाँ पर है, तो डीजल भर रहे, देखो यहाँ से ये निकाला है यहाँ से और ये बता रहे हैं, ये कुछ बच्चे बाहर निकल के क्लोजली देख रहे हैं, उसमें से कोई बोला हे इट हैज सच अ बिग टमी, देखो उसका कितना बड़ा पेट है, कितना बड़ा बैली स्टोमैच, पेट बोलते हैं ना पेट, टमी बोल दिया उसने, हे इट हैज़ अ सच अ बिग टमी, कौन बोल रहा है ये बोल रही है ना ये लड़की, हाँ क्यों उसने ऐसा बोला, किसका, इसका, ये अंकल है ना, ये अंकल का बहुत बड़ा पेट है ना, तो अच्छा इनका होगा, तो फिर अच्छा ये वाले एलियन अंकल का, एलियन अंकल नहीं है बेटा मैं तो जस्ट मजाक कर रहा हूँ, यस ये क्या बोल रही बेटा गर्ल, ये बस की बात करिए, बस का जो टैंकर होता है ना बेटा पीछे, मतलब जहाँ पे डीजल हम लोग फील करते हैं ना, यस कितना बड़ा टमी है, इट हैज़ ऑलरेडी टेकन 100 लीटर्स, देखो ऑलरेडी 100 लीटर्स उसने पी लिया है, यानी ले लिया है, ठीक है इसलिए इसने बोला, चौंक गई देखकर 100 लीटर्स माई गॉड। अब ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, सो वी हैव टू पे, देखो यहाँ पे अमाउंट, अच्छा बेटा आप लोगों ने नोटिस किया है ये जो मीटर होता है ना, ये पेट्रोल पंप पे हम लोग मम्मी पापा के साथ कभी जाते होंगे घूमने, अभी जैसे मैंने बताया ना, तो पापा जब बाइक में या कार में जब पेट्रोल भरवाते होंगे तो आप देखते हो नोटिस करते हो, तो नीचे बेटा क्या लिखा होता है, उसका रेट लिखा होता है, यहाँ पे रेट लिखा होता है कि एक लीटर का कितना रेट है, अभी हाल में कितना रेट है पता है किसी को, यस अभी हाल में कोई गया था घूमने बाहर, सोच में पड़ गए ना सर, एक बार जब आप बोलते हो कि अभी कहीं बाहर मत निकलो तो हम लोग कहाँ से गए होंगे, ओके बेटा अभी हाल में ना 78 या 79 रुपीज़ है पर लीटर, 1 लीटर पेट्रोल का 78 या 79, देखो इसमें कितना भी बता रहा है, यस और थोड़ा जूम करूँ, देखो पेट्रोल है देखो, ओके रुपीज़ इतना हुआ है, ये स्कूटर में पेट्रोल डलवा रहे हैं ना, इन्होंने 5 लीटर पेट्रोल डलवाया, कितना 5 लीटर, पर लीटर का कितना 65 रुपीज़ पर लीटर, 60 बहुत अच्छा है ना, बहुत सस्ता है, चलो हम भी यहीं पे जाते हैं भरवाने के लिए, 65 रुपीज़ पर लीटर है, तो इनका 5 लीटर्स का कितना हो गया 325। बेटा ये जो मीटर होता है ना ये कंप्यूटर बेस होता है, कैसा होता है कंप्यूटर बेस, ये ऑटोमेटिकली काउंट कर लेता है, आप लोग ने देखा हो नहीं नंबर फटाफट फटाफट घूमते रहते हैं है ना, फटाफट फटाफट एकदम स्पीड में घूमते हैं, जैसे मानो पापा ने बोल दिया कि 500 का पेट्रोल डाल दो, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे बटन्स होते हैं ना बटन्स, ऐसे कुछ बटन्स होते हैं, वो 500 दबाएगा तो सीधी ऊपर अमाउंट आ जाएगी 500, और फिर जब हाँ और फिर जब पेट्रोल भरना हो ना जो ऐसे मीटर घूमता है, पहले से अमाउंट डालते थे ना इसलिए, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया, स्टार्ट कर दिया है भरना ये अंकल ने, तो सीधा भरना स्टार्ट किया, तो कितना लीटर भरा गया बेटा 100 लीटर्स, ओके तो 100 लीटर्स का कितना हुआ 5,500 रुपीज़, ओके तो मुझे बताओ, देखो नाउ अगेन अ क्वेश्चन, सी एक क्वेश्चन है ना बेटा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल, बोलो 100 लीटर्स का हुआ 5,500 रुपीज़, तो 1 लीटर का कितना, सिंपल है 100 लीटर का कितना है बेटा 5,500 रुपीज़,
तुमको 1 लीटर का फाइंड आउट करना है, 1 लीटर का कितना, तो क्या करेंगे ये जो है ना 5500, इसको 100 से क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। 5500 डिवाइडेड बाय 100, देखो पीछे के 20, यहाँ पे भी 20 एक साथ है, बीच में कोई जीरो ना बेटा, जैसे यहाँ पे जीरो हो और फिर यहाँ पे कोई नंबर लिखाओ 1, 2 या 6, 5 कुछ भी लिखाओ, तो ये जीरो कट नहीं हो पाएगा, लास्ट में एकदम जीरो होनी चाहिए। देखो यहाँ पे भी लास्ट में जीरो है और उसके बाद यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो डायरेक्ट ये जीरो कट हुआ, ये जीरो, दोनों सेम कट करना है, फिर ये जीरो कट हुआ, ये जीरो कट हुआ, कितना मिला हमको 55। तो 1 डीजल का कितना होगा बेटा, ₹55। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है? ओके, तो इसने पूछा था ना कि रुपीज़ डीजल 5500 भी बोल सकते हैं ना, राइट, और 5500 भी बोल सकते हैं। एज द बसेस आर बीइंग रिफिल्ड, सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप। जब बस के अंदर जब डीजल रिफिल हो रहा था ना डीजल, तो कुछ बच्चे बेटा वॉशरूम भी गए थे, आप लोग भी जाते हो ना, बहुत ज़ोर से लगी, मुझे तो लग रहा है यही दो गए होंगे, हाँ, और ये दोनों भी गई होंगी है ना, टॉयलेट गई होंगी, बहुत ज़ोर से लगी होगी ना नहीं, यस बेटा वॉशरूम गए होंगे ना। ओके, देखो ये जोर जोर से हंस रही है, वाई इज लाफिंग, वाई, देखो क्या बोल रही है, अमन हैज टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज वन बस इज टेकिंग टू रिफिल। हाँ, तो हंसी तो आएगी ना, ये क्या बोल रही है, अमन ने कितना लंबा टाइम लिया, जितना टाइम बस के अंदर डीजल भरने में हुआ ना, एक बस को कितना टाइम हुआ बेटा, 15 मिनट्स हुआ ना, तो अमन ने उतना ही टाइम लिया। हे भगवान, बैठ के क्या पता क्या कर रहा होगा ना, हाँ, टॉयलेट में बैठ के क्या कर रहा होगा वो बेचारे को गड़बड़ हो गई होगी ना पेट के अंदर, हाँ, कुछ ऐसा वैसा खा लिया होगा बस के अंदर बैठ के। नहीं, मैं बताऊँ अमन ने क्या किया होगा, अमन ने सारे लोगों का नाश्ता डिब्बा खोल के खा लिया होगा, और फिर सबको पता चल गया ना हमारा नाश्ता खा लिया है, तो फिर सबने बोला होगा देखना तेरा तो पेट खराब ही होने वाला, अमन तेरा तो पेट खराब ही होने वाला है, तूने हमारा नाश्ता खा लिया ना, दैट्स वाई, तो इसलिए ये हंस रही है क्या क्या बोल रही है वो, अमन हैज टेकन एज मच टाइम एज एम्प्टी हिमसेल्फ यस एज वन बस टेकिंग टू रिफिल। एक बस ने जितना टाइम लिया उतना टाइम अमन ने ले लिया, राइट, तो हाउ मच टाइम डीड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। वापस आने में टाइम, टॉयलेट से वापस आने में अमन ने कितना टाइम लिया बेटा, जितना बस ने टाइम लिया उतना ही लिया है ना, तो बस ने कितना टाइम लिया था उतना ही अमन ने लिया है। देन बस टेक्स 15 मिनट्स, सेम एज अमन टेक्स ऑल्सो 15 मिनट। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके बेटा, तो अब भीमबेटका पहुंचने वाले हैं, टू भीमबेटका, फाइनली वो लोग भीमबेटका आ गए। देखो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, और स्टोरी बेस्ड चैप्टर है, स्टोरी के साथ साथ हम लोग मैथ के अंदर मैजिक भी कर रहे हैं, और हम लोग गैस कर करके सारे क्वेश्चन के आंसर भी दे रहे हैं। सो बेटा, ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही मस्त चैप्टर है, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना। चलो अब कंटिन्यू करते हैं, टू भीमबेटका आफ्टर द बसेस आर रिफिल्ड, मतलब बस के अंदर जब डीजल भरा गया ना, भरने के बाद द जर्नी स्टार्ट्स अगेन, यानी फिर से जो यात्रा है ना उनकी घूमने की, वो स्टार्ट हो गई है। नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका, और बच्चों ने बोला कि हाँ चलो फाइनली अब भीमबेटका भी उनकी बस स्टॉप हो गई है। अंजन बोल रहा है, वॉट इज भीमबेटका, ये भीमबेटका क्या है यार, ये आप उनको बताओ नहीं यार, भीमबेटका क्या है, कौन बोल रहा है, अमन बोल रहा है, नो अंजन बोल रहा है, यस बेटा। देन मिस रैना, ये तीसरी टीचर आई है, मिस आशा, मिस फिर कौन था, मिस आशा, मिस मीनाक्षी एंड मिस रैना। मिस रैना की बस में एक अंजन नाम का लड़का बोला, वॉट इज भीमबेटका। नाउ मिस रैना से इट्स अ प्लेस विथ लॉट्स ऑफ केव्स एंड केव पेंटिंग्स मेड बाय पीपल 10,000 years ago। ओ माई गॉड, पता चला बेटा क्या लिखा है, इट इज़ अ प्लेस विथ लॉट्स ऑफ केव्स, बहुत सारी गुफाएं हैं, गुफा समझते हो ना, जो बहुत पुरानी वगैरह होती है ना बेटा, तो बहुत सारी मतलब गुफाएं हैं एंड केव पेंटिंग्स मेड बाय पीपल 10,000 years ago, यानी 10 साल पुराने
कुछ पेंटिंग्स बने 10 साल, नहीं 10,000, 10,000 साल बिफोर, 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 साल पुराने, उस 10,000 साल पहले के कुछ पेंटिंग्स बने यहाँ पर। सुमित ने बोला 10,000 ईयर्स, 10,000 ईयर्स, कितना एकदम चौंक गया ना, क्योंकि वो अभी आप लोग 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो ना, तो आपकी एज कितनी होगी बेटा, 9 और 10 ईयर्स, अराउंड 10 ईयर्स ना, हाँ आप लोग 10 ईयर्स के हो, आपके पापा भी होंगे 30 या 40 या 35 ईयर्स के होंगे, मम्मी भी आपकी 30 या 32 ईयर्स की होगी, राइट। और ये तो बात हो रही है, मिस रैना ने क्या बताया कि अगो 10,000, तो ये बेचारा सुमित तो चौंक गया, 10,000 ईयर्स, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ 10,000 ईयर्स बैक, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ 1,000 ईयर के बारे में भी मैं नहीं सोच सकता हूँ, तो 10,000 तो कितनी बड़ी बात हो गई। नाउ तुरंत ही गोपी क्या बोलती है, ओह 1,000 ईयर्स इज अ बिग थिंग, 1,000 भी बहुत बड़ा है, आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर्स। सुमित को बोलती है, सुमित तू 1,000 की बात कर रहा है, मैं तो 100 के बारे में भी नहीं सोच सकती। देखो क्या लिखा है, मैं तो एक्चुअली 10,000 ईयर्स पहले की बात थी, ये मैम ने बताया। सुमित ने बोला 10,000 ईयर्स, मैं तो 1,000 साल कितना होता है ना, 1,000 साल वो भी मुझे तो नहीं पता है कितना होता होगा। तो गोपी ने बोला तू 1,000 की बात कर रहा है, ओह तू 1,000 की बात कर रहा है, वेरी बिग थिंग, आई कांट इवन थिंक ऑफ 100, मैं तो 100 ईयर्स के बारे में भी नहीं सोच सकती। नाउ गौरी सेज, गौरी ने कहा आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर्स, मैं सोच सकती हूँ, ठीक है 100 ईयर्स कितना होता है मुझे पता है, बिकॉज क्योंकि माई फादर्स ग्रैंड मदर इज 100 ईयर्स ओल्ड, मेरे जो पापा है ना, माई फादर्स ग्रैंड मदर यानी मेरे पापा की जो दादी है, उनकी दादी नहीं बेटा, गौरी की दादी नहीं, उस गौरी के पापा की दादी इज 100 ईयर्स ओल्ड, वो कितनी बेटा 100 ईयर्स ओल्ड है, इसलिए गौरी को पता है कि हाँ वो दादी 100 ईयर्स की है ना, तो मुझे पता है। सोचो गौरी की दादी अभी भी 100 ईयर्स हो गए अभी भी जी रही है, नॉट गौरीज दादी, गौरीज फादर्स दादी। यू नो स्टूडेंट्स, मेरी भी जो दादी है ना, मेरी दादी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरी दादी 101 ईयर्स, यस 101 ईयर्स के बाद उनकी डेथ हुई थी, और मेरे जो मेरा मतलब मेरे दादा नहीं, मेरे मम्मी के दादी और मेरे मम्मी जो है ना, मेरे मम्मी के दादा वो जो है ना, वो भी 106 ईयर्स पे उनकी डेथ हुई थी। यहाँ पे तो सिर्फ 100 ईयर्स की बात है ना, मेरे मम्मी के जो दादा है ना 106 ईयर्स हुआ था बेटा तब उनके 100 ईयर्स के बाद। यू नो मैंने तो खुद देखा भी था, जब 100 ईयर्स हो गए ना तो उनके सारे दांत गिर गए थे, हाँ, और छोटे छोटे फिर से दांत आए थे। आपको पता है ना, जब आप लोग छोटे थे, अभी भी आप लोगों में से किसी के दांत गिरते होंगे, किसी के नए दांत आते होंगे, टीथ की बात कर रहा हूँ बेटा, तो ऐसा होता है, ये नेचुरली होता है ना, गॉड गिव्स होता है बेटा, भगवान के ऊपर से होता है। जब बच्चा जब बॉर्न करता है ना, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है ना, तब उसके धीमे धीमे दांत आते हैं, फिर जब 100 ईयर्स का हो जाता है ना, तो फिर से वो बच्चे जैसा ही हो जाता है बेटा। तो दादा के भी है ना सारे दांत गिर गए थे, आप बिलीव नहीं करोगे, इतने बड़े थे ना मेरे दादाजी, तो भी है ना वो खुद ही मतलब है ना, वो गांव में रहते थे ना, तो चूल्हा बोलते हैं ना आप लोग, हाँ, उसके ऊपर इतना बड़ा ततीला भर के पानी रखते थे, फिर बाजरे की रोटी बोलते हैं ना, बाजरे की पूरी 2 रोटी खा जाते थे बाजरे की, और अभी हम लोग 1 रोटी भी हम लोग बड़े मतलब बड़ी ज़ोर से खा पाते, मतलब आई मीन नहीं खा पाते। तो मेरे जो वो मम्मी के दादा थे ना, 2 रोटी ऐसी बाजरे की पूरी खा जाते थे, और कटोरा भर के सब्जी, कटोरा भर के दूध लेते थे, 106 ईयर्स है ना फिर भी, लेकिन फिर कुछ पता नहीं कैसे ऑफ हो गए, दैट आई डोंट नो, लेकिन उनकी हेल्थ बहुत अच्छी थी, क्योंकि बेटा गांव के सब खाने की चीज़ मिलती है ना, और हम लोग तो अभी पिज़्ज़ा बर्गर मंचूरियन ये सब में ही पड़े हैं, राइट। बेटा सुबह में है ना मम्मी को बोलो चाय पीते हो तो ठीक है, लेकिन अकेली चाय नहीं पीनी चाहिए बेटा, चाय के साथ दूध मिक्स करके पियो, ऐसा होता ना, दूध अकेला ना अच्छा लगता, दूध पियो तो बहुत अच्छी बात है। और मम्मी को बोलो एक अच्छा सा बड़ा सा परौठा बना के दे, और पराठे के साथ खाया करो। चलो नाउ कम बैक, अब मंजीत बोल रहा है दैट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट 100 great grandmothers old। मंजीत क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो केव्स है ना, ये सारी केव्स वो 100 great grandmothers old, यानी ये जो केव्स है ना वो 100 grandmother को हम लोग करेंगे ना साथ में, तो 100 grandmother जितनी है मतलब कौन केव्स उतनी ओल्ड है, 100 great grandmothers जितनी ओल्ड है। ओके बेटा,
एंड एवरीबडी बर्स्ट इनटू लाफ्टर हा हा हा, और सारे सब लोग जो बेटा वो हंसने लगे, हा 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 करके हंसने लगे। ओके बेटा, तो चलो आज भी यहाँ तक हम लोग कंटिन्यू रखते हैं और कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो आज आप लोग को होमवर्क में फिर से मैं क्या दे रहा हूँ, यही चीज़ करनी है बराबर। आप फिर से ये पूरा लेसन एक बार पढ़ना, ठीक है। ओके चलो मैं देखता हूँ कुछ एक वर्कबुक में से देने जैसा है कि नहीं, एक मिनट ना बेटा। ओके बेटा देखो, वर्कबुक में से करना, लेसन तो पढ़ना ही है। देखो मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको कुछ होमवर्क नहीं दिया था, खाली लेसन को रीड करने के लिए बोला था ना, लेकिन आज लेसन भी पढ़ना है। ये लेसन मीन्स कि ये चैप्टर हमको पढ़ना है, और साथ में वर्कबुक इन द थर्ड चैप्टर है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, खाली ये दो ही करना है, बस ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। ये एडिशन है, सिंपल एडिशन है, राइट। और ये देखो कैसे करना है, इन दोनों का एडिशन इसके अंदर आएगा, फिर इसका और इसका, इन दोनों का एडिशन इसके अंदर आएगा, फिर ये दोनों है ना, इन दोनों, ये देखो एरो बता रहा है लाइंस, इन दोनों का एडिशन इसमें आएगा। तो क्वेश्चन 1 एंड 2 ये करना है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, ये दोनों आपको होमवर्क में करना है फ्रॉम वर्कबुक। और उसके और ये भी करना है क्या, तो ये अभी मैंने यहाँ तक चलाया ना, ये सारे बच्चे हंस रहे, वहाँ तक भी आपको करना है। ओके चलो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।